जैसे आज अब जो नई बुक्स आ रही है एनसीईआरटी की, उनमें डिजास्टर मैनेजमेंट एक बहुत मेन चैप्टर है। तो जो लास्ट ईयर जब जैसे मैंने किया तब तो नहीं था, लेकिन अब जो मेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं टेंथ, उनमें ये है कि डिजास्टर मैनेजमेंट चैप्टर सबसे ज्यादा मार्क्स का है, इसको पढ़ के जाना है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है और स्कूल एजुकेशन या स्कूल स्टूडेंट्स के लिए वो कितना इम्पोर्टेंट है, आप उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत बताइए। अच्छा क्वेश्चन पूछा रमानी जी, क्योंकि आज बड़ा हॉट टॉपिक है डिजास्टर, और दिल्ली तो हमारी वैसे भी डिजास्टर में है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, आए दिन भूकंप आते हैं, कोई बिल्डिंग गिर जाती है, आग लग जाती है, और इंडिया में कभी वोल्केनो आ गया, कभी सुनामी आ गया, तो इस तरह की जब ये घटनाएं घटती हैं तो हमारे देश में अवेयरनेस की कमी थी, पहले प्लान नहीं था। तो इस बार सबसे पहला हमारे देश ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2005 में कमेटी बनाई कि हम इंतजार करेंगे कि बाढ़ आएंगे तब उनकी हेल्प करें। तो उन्होंने नेशनल लेवल की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी 2005 में शुरू की। फिर ये कमेटी उन्होंने स्टेट SDMS बनाई, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी। स्टेट से डिजास्टर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये कमेटी बनी, डिस्ट्रिक्ट से फिर तहसीलदार पर आई, तहसीलदार से फिर विलेजेस पर आई। 5 लेवल पर ये कमेटी पहले से काम करना शुरू कर देती है कि ये मौसम आने वाला है और ये दुर्घटना हो सकती है, उसके लिए हमारी सरकार अब पहले से पूरी तरह से तैयार है। पर ये सरकार करती है ऊंचे लेवल पर काम, पर ये डिजास्टर जो कि बच्चों के लिए सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्यों डिजास्टर मैनेजमेंट स्कूलों तक आते आते तक तो बहुत देर हो जाएगी। यदि कोई भूकंप आ गया है, बच्चे किस तरह से अपने आप को सेव करेंगे, अपने साथी को सेव करेंगे, अपने परिवार को सेव करेंगे, ये ट्रेनिंग मेरी टीम है डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, श्री जी दीक्षा बाके बिहारी ट्रस्ट के अंदर में फ्री ट्रेनिंग हम देते हैं। अब तक 1 लाख बच्चों को हम ट्रेन कर चुके हैं, जजेस को दे चुके हैं, CRPF के जवानों को, पुलिस वालों को ये ट्रेनिंग दे चुके हैं कि जब आग लग जाती है तो किस तरह से बच्चा अपने आप को भी बचाएगा और लोगों की हेल्प करेगा। तो इसका मतलब इंडिया पहले रिएक्टिव था और अब वो प्रोएक्टिव। 100% अब हमारे पास पूरी सुविधाएं हैं, और मिनट के अंदर ही हम पहले से ही अपनी तैयारी करके रखते हैं। पहले तो जैसे भी भूकंप आ गया है, सुनामी आ गई है, जान माल का नुकसान हो गया, अच्छा रिकंस्ट्रक्ट कर देंगे भाई, चलो ट्रक भर के सामान भेज दिया, और इस तरह से हमें लाइटली लेते थे। पर अब ऐसा कुछ नहीं है, पूरी तरह इंडिया हर डिजास्टर के लिए रेडी है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो कि NDMA के चेयरमैन हैं, वो हर चीज पर खुद नजर रखते हैं। तो इसमें ये जो स्कूल लेवल पे आप सारा ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इसमें जो रेस्क्यू ट्रेनिंग है आपकी और ये जो मॉकड्रिल्स वगैरह है उसकी थोड़ी सी डिटेल शेयर करें आप प्लीज। ये हमारी टीम डिफरेंट डिफरेंट स्कूलों में जाती है, जी 1 दिन की तो बेसिक ट्रेनिंग करती है, और 5 दिन की जो हम ट्रेनिंग देते हैं, उस स्कूल के 30 बच्चों को हम इतना ट्रेंड कर देते हैं कि कोई भी कैजुअलिटी फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर किसी पर भी हो, वो बच्चे इमरजेंसी मेथड से बच्चे को तुरंत रेस्क्यू कर लेंगे। आग लगने पर 3 तरह की आग ही होती है मैक्सिमम, उनसे किस तरह से बच्चे को फायर मॉक ड्रिल से हम सिखाते हैं कि बच्चे तुरंत उसकी जान बचा देंगे। तो ये हम भिन्न भिन्न स्कूलों में जाके फर्स्ट एड, किसी को चोट लग जाती है डॉक्टर्स तक जाने में, किसी के हाथ फ्रैक्चर हो गया, सिर में लग गई, जबड़ा टूट गया, तो किस तरह से वो अपनी हेल्प करेगा, या दूसरा वो टीम किस तरह से उनकी हेल्प करेगी जब तक कि एम्बुलेंस आती है या डॉक्टर के पास जाएंगे। ये ट्रेनिंग हम पूरी दिल्ली के स्कूलों के बच्चों को, 30 बच्चों को ट्रेंड कर रहे हैं ताकि वो पूरे स्कूल को ट्रेंड कर दें। मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे आपके पास जरूर अभी और सवाल होंगे, क्योंकि आपकी स्माइल बता रही है कि आप बहुत कुछ पूछना चाहती हैं। मेरे पास क्वेश्चंस हैं। तो जैसा कि अभी आपने हमें बताया कि जो ये मॉक ड्रिल्स होती है स्कूल में, मॉक ड्रिल जब होती है तो इतना अलार्म बजता है बच्चों, जी लेकिन बच्चे उस पर कई बार ध्यान नहीं देते। वो बच्चों की गलती को बच्चे खुद कैसे सुधारे कि जैसे ही कोई अलार्म बजे, क्योंकि क्लास में आप जब भी जाओ जब टीचर नहीं है तो बहुत शोर शोर होता होता है, है। कोई किसी से बात कर रहा है, कहीं बैडमिंटन चल रहा है, कहीं क्रिकेट चल रहा है, बैट उससे पे मैं सबसे पहले संदेश देना चाहूंगी सभी बच्चों को, सभी स्कूल के ओनर्स को, कि
कि मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस महीने में एक बार बच्चों को करवाई जाए। जब भी कोई मिस हैपनिंग होती है, बच्चे उस समय पैनिक नहीं होना है किसी ने भी, और अपने सिर पर इस तरीके से सिर से एक थोड़ा सा ऊपर अपने हाथ रखकर किस तरह से सेफ जगह पर बच्चों को 1.5 से 2 मिनट में बिल्डिंग खाली करके नीचे ग्राउंड में आना है। ये सीरियस प्रैक्टिस हर स्कूल में मंथली होनी चाहिए। ये मैनेजमेंट की, टीचर्स की ड्यूटी है। एवैक्यूएशन प्लान हर स्कूल के अंदर लगा होना चाहिए, कहाँ से एग्जिट है, बिना किसी कियोस के सेफली बच्चे 1.5 से 2 मिनट में पूरा स्कूल खाली कर दें। और ये तभी संभव होगा जब हमारे बच्चों को हर महीने सायरन बजाएं और इतनी प्रैक्टिस हो कि दौड़ते हुए बिना कियोस के हुए आराम से ग्राउंड में आ जाएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका ये जो मैसेज है, ये सिर्फ दिल्ली नहीं, नॉर्थ इंडिया नहीं, पूरे इंडिया के सभी स्कूलों तक उनके पेरेंट्स, टीचर, प्रिंसिपल और मैनेजमेंट जो अथॉरिटीज हैं वहां तक ये आपका मैसेज जरूर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी कोशिश रहेगी कि जो लोग भी आप मैडम से हेल्प लेना चाहें, गाइडेंस लेना चाहें और खुद वहां पे हल्के इन चीजों को ऑर्गेनाइज करना चाहें, तो इनका नंबर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप इनसे डायरेक्टली बात करके सारी गाइडेंस ले सकते हैं।